सो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल जिसका नाम है ऊपर दवाई का। सो गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैं मेरी CBR का काम पूरा कराने वाला हूँ, उसकी सर्विस कराने वाला हूँ, उसे फिर से अलाइव करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी CBR की किस तरीके से सर्विस की जा रही है एंड उसका जो व्हील लॉक था, उसका जो पावर ड्रॉप हो रहा था फर्स्ट सेकेंड गियर में, इट वॉज वर्किंग फाइन। थर्ड गियर में नहीं प्रॉपर चल रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में लिंक होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब आज की वीडियो में मैं आपको पूरा काम वो करके दिखाऊंगा और बाइक को फिर से स्टार्ट करके बहुत ही अच्छे से उसे सर्विस करके अच्छे से मेंटेन रखूंगा। दैट इज माई प्रॉमिस। और मुझे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट भी आए थे ऑन माई वीडियो दैट आई एम नॉट मेंटेनिंग माई बाइक प्रॉपरली, बट द थिंग इज कि मैं मेंटेन कर रहा हूँ बट मैं चला नहीं पा रहा उसे, तो इस वजह से उसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो आज उस प्रॉब्लम्स का अंत होगा, आज उसके प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा एंड अब से मैं बाइक को चलाने भी वाला हूँ एंड उसके ऊपर मैं मॉडिफिकेशन भी करने वाला हूँ। इफ यू कैन सी बिहाइंड मी इज माई डोमिनार ओवर देयर, उसको मैंने बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया है एंड मैं उसी तरीके से CBR को भी मॉडिफाई करने वाला हूँ। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ माई ब्रेक पैड्स, जो कि फिलहाल अच्छे ही है, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। अब कैलिपर ओपन करके देख रहे, इसमें तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम। सो CBR का जो ब्रेक कैलिपर था उसके अंदर में रस्ट लग गया था, तो वो रस्ट को हम लोग ने स्क्रू ड्राइवर के थ्रू पूरा रस्ट निकाला है, उसके ऊपर में ब्रेक ऑयल लगा रहे हैं एंड देन उसको क्लीन कर रहे हैं। This is the master cylinder of the rear brake. Rear brakes जरा भी नहीं लग रहे थे, so अब master cylinder check करेंगे कि काम कर रहा है या नहीं, या तो हो सकता है master cylinder गया। सो गाइस, एज यू कैन सी दिस, ये कैलिपर के अंदर में जो ये एक ऊपर में है, एक सेंटर में है और एक नीचे है, ये तीन जो अंदर पिस्टन्स है इसे निकाल करके स्क्रू ड्राइवर से घस घस कर उसका रस निकाला गया है एंड देन उसके ऊपर थोड़ा ब्रेक ऑयल लगाया है। और पीछे वाला जो ब्रेक था, जो रेयर ब्रेक था, उसका जो मास्टर सिलेंडर होता है, वो मास्टर सिलेंडर लेकर गया है मैकेनिक। शायद मेरा मास्टर सिलेंडर पीछे का गया है बिकॉज उस वो ब्रेक्स जब प्रेस कर रहे थे तो ब्रेक्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। सो दैट्स द रीज़न व्हाई ही रिमूव्ड इट, और वो लेके गया है बनाने के लिए। अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर नया लगाना पड़ेगा। आई एम क्लीनिंग द ब्रेक्स फर्स्ट, क्योंकि मुझे एक कमेंट किया था मेरे एक फ्रेंड ने मेरे वीडियो पर, जो उनके लास्ट महीने ब्लॉग था उसके ऊपर में, कि आप सबसे पहले आपका जो ब्रेक्स है, ब्रेक कैलिपर्स है, वो ओपन करके आप उसको पहले सर्विस करके देखिए, अगर वो सर्विस करने के बाद भी व्हील लॉक रहता है तो फिर आप जो है क्लच प्लेट आगे चेक कर सकते हो, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट ब्रेक्स पर चेक करना। सो मैं उनके सजेशन पे ब्रेक्स का काम पहले कर रहा हूँ।
सो इसका पूरा मास्टर सिलेंडर ओपन कर दिया है, ये इसका साफ कर रहे हैं, देखते हैं अभी। ये इसका एक पार्ट है पार्ट वन, ये मेन मास्टर सिलेंडर है। ये इसकी स्प्रिंग सर्विस करके देख रहे हैं, अगर चल गया वापस लगा के देखेंगे, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर नया इंस्टॉल करना पड़ेगा मास्टर। आई होप यू नो कि होंडा जो बाइक्स बनाता है उसमें कॉम्बी ब्रेक्स होते हैं, मतलब आगे और पीछे के दोनों भी एक साथ में लगते हैं। सो मास्टर सिलेंडर की सर्विस हो रही है, अगर चल गया तो ठीक, अगर नहीं चलता है तो मुझे नया लेना पड़े, विच कॉस्ट अराउंड 1500 समथिंग ऑन अमेजोन। पर ज़्यादातर होंडा सी वी आर के जो स्पेयर्स हैं वो कहीं पर अवेलेबल नहीं होते, बट आई एम ट्राइंग। सो हमारे जो मैकेनिक है वो ट्राई कर रहे हैं कि उसको बना दे एंड मेरा पैसा बच जाए। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब सर्विस के बाद हम इसे फिर से इंस्टॉल करके देख रहे हैं, अगर ये काम कर गया तो फिर वही पैसे बच जाएंगे, अगर नहीं किया तो फिर नया लेना पड़ेगा। So as you can see the master cylinder, उसको सर्विस करके वापस से फिट कर दिया हम लोगों ने, एंड द ब्रेक्स आर वर्किंग प्रॉपरली नाउ। अब आगे का सर्विस चल रहा है, थोड़ा जो पेंडिंग था वो करके फिर लगा करके एक ट्रायल लेके देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स था बाइक का जो व्हील लॉक हो रहा था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। So guys, मास्टर सिलेंडर की सर्विस हो गई है और ब्रेक्स अब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, बाइक पीछे आगे बहुत स्मूथली जा रही है एंड और भागने भी बाइक बहुत अच्छी भाग रही है। द ओनली थिंग इज कि बाइक में इंजन ऑयल थोड़ा कम है, जो मुझे इंजन ऑयल पूरा डालना पड़ेगा न्यू, तो हम मोटिल का इंजन ऑयल डालेंगे और उसके बाद में फिर प्रेशर वॉश करा करके बाइक को एकदम चमका करके फिर एक पैन शॉट एंड वीडियो ख़त्म करेंगे। सो पहले जाते हैं ऑयल लेने। Look at the condition of the oil. So this is the engine oil I'm using for my CBR 20W40. 2 लीटर लगने वाला है, जिसकी 1 लीटर का ये डब्बा है, 1 लीटर का ये, तो 2 लीटर जा चुका है बाइक में। Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan.
Fuck with me and you will never be pardoned. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. And I will not be the one with regrets. And I will not hear the doubt or the threats. And I'm not one to ever forget. So what's the fuck out while I'm coming for you next? So guys, बाइक का पूरा काम हो चुका है और पूरा एक्सपेंस जो था मेरा जो था इंजन ऑयल का दैट कॉस्ट मी अराउंड 650 समथिंग और लेबर 350 जो कि मास्टर सिलेंडर को सर्विस करके उसने लगा दिया और मेरा काम हो गया. टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग बैटरी वॉज अराउंड 2500 रुपीज और उसके अंदर में मेरी बाइक हो गई है मस्त का. अब जाके मैं प्रेशर वॉश करके लेके आया हूँ बाइक को, थोड़ी देर बाद उससे पॉलिश करूँगा एंड देन एक शॉर्ट राइड बहुत सून मैं प्लान करने वाला हूँ CBR पर और तब देखेंगे कि किस तरीके से और अच्छे से पाऊँ क्योंकि अब फिलहाल में बहुत ही अच्छे से चल रही है. सो बाइक का जो अभी फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम बटर स्मूथ हो चुका है. मेरा मास्टर सिलेंडर का पैसा बच गया थैंक्स टू माय मैकेनिक एंड बाइक वापस चालू हो गई एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सजेशंस. मुझे बहुत लोगों के सजेशंस आए थे जिसके अंदर मैं बहुत लोगों ने बोला था कि ब्रेक्स आप चेक करिए. मैंने ब्रेक्स चेक किया एंड माय बाइक इज कम्प्लीटली फाइन नाउ एंड चुम्मा चल रहा है यार. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread.